नाटी उतर नीचे, नाटी नीचे उतर जा, नाटी नीचे उतर। उतर नीचे नाटी, नीचे उतर, नीचे उतर जल्दी, नाटी उतर जा, नाटी 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 आ जा। कैसे उतरेगा अभी नीचे? नौती मिन्ना, नौती नौती बेटा, नौती आ जा। और ऊपर चढ़ना है इसको, वहां से भी ऊपर देख रहा है कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। रुक जा, आ जा, मैं उतार देती हूँ, आ जा आ जा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब राजी खुशी से होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। तो वही दिखा रही हूँ किस तरह से बना रही हूँ। पोहा तो अक्सर सभी घरों में बनता है, फिर भी अपना अपना स्टाइल होता है, तो मैं बना रही हूँ अपने तरीके से। तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ रेसिपी, तो देखिए आज कैसे बनाती हूँ मैं पोहा। तो पोहा में मैं डाल रही हूँ हरी मटर, थोड़ी सी एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये है आलू, और इसके अलावा एक टमाटर, और डालूंगी मूंगफली दाना, जिसको शेंगदाना भी बोला जाता है, तो वो भी डाल दूंगी मैं। सबसे पहले शेंगदाना ही डालूंगी, तो शेंगदाना, और ये मूंगफली दाना है, इसको भी मैं डालने वाली हूँ पोहा में थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेनर में इस पोहे को वॉश कर लूंगी। ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं पोहा, तो इसको मैं सबसे पहले वॉश कर लूंगी। तो इस तरह से मैं इसको वॉश कर ले रही हूँ नल के नीचे साफ पानी से, ताकि इसका डस्ट सारा निकल जाए पानी से। और इसको डस्ट निकालने के बाद अच्छे से 2 मिनट, या डस्ट निकलने के बाद अच्छे से वॉश होने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा पोहा वॉश हो चुका है। इसको अलग से भिगा के रखने की जरूरत नहीं है, ये जो वॉश किया है मैंने 2 मिनट, इसी में अब इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, पानी अपने आप निथर जाएगा इसमें, और इसमें रखे रखे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जब तक तड़का तैयार कर लेती हूँ पोहा का, चलिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई की तरफ ले चलती हूँ आपको। तो ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और इसमें ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। पोहा यहाँ सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं तेल गरम होने के बाद सबसे पहले डालूंगी इसमें थोड़ा सा शेंगदाना, मूंगफली दाना, और ये क्रिस्पी होने तक इसको सेकेंगे, और सेकने के बाद इसमें तो ये हमारे
सेंगदाना जो है क्रिस्पी हो चुका है, इसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च थोड़ा सा फ्राई होने के बाद डाल रही हूँ ये सारी सब्जियाँ, आलू, शिमला मिर्च, मटर, तीनों सब्जियाँ मैंने डाल दी है इसमें। और इसको मैं थोड़ा सा आलू को फ्राई होने देती हूँ और इन तीनों सब्जियों को मैं थोड़ा फ्राई होने देती हूँ और इसको मैं स्लो फ्लेम में थोड़ा देर रखूंगी, दो एक मिनट। इसको स्लो फ्लेम में मैं रखूंगी एक मिनट के लिए स्लो फ्लेम में, और उसके बाद मैं डालूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं डालूंगी हल्दी और नमक, बस हरी मिर्च डाला है इसलिए मिर्च पाउडर का यूज नहीं करूंगी। और सूखे मसाले में अब डाल देती हूँ, तो सूखे मसाले में मैंने डाल दिया है हल्दी बहुत कम और नमक, और इसको मैं चला लूंगी चम्मच की मदद से और इसमें डाल दूंगी टमाटर। और फिर से एक मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे इसको। और जब तक पोहा आपको देख लेते हैं, पोहा सॉफ्ट हो गया है हमारा और इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे तड़का रेडी होने तक। देखिए खुला खुला है, चिपकना नहीं चाहिए आपस में ये। और तड़का देख लेते हैं, तो तड़के में आलू पकने तक इसको पकाएंगे। आलू पक गया मतलब सारी सब्जियां पक गई, तो आलू अभी थोड़ा कसर बाकी है इसमें, आलू को पकने देंगे स्लो फ्लेम में। और जैसे ही आलू पक जाता है उसके बाद में इसमें पोहा को डाल के चला लूंगी। तो पोहा के बाद हमें चाय भी लगेगी, तो पोहा खाने के बाद हमको चाय की जरूरत है जरूर, सभी चाय पीते हैं, तो चाय भी मैंने एक साइड में रख दिया है, चाय भी बन रही है। तो चाय में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा डाल दिया, ढक्कन खोल के देख लेती हूँ। यदि हमारे आलू हो गए होंगे तैयार, पक चुके होंगे, तो मतलब हमारा तड़का पोहे का पक चुका है। तो देखिए आलू कट रहे हैं इस चम्मच से, मतलब सारा तड़का हमारा पक गया है। तो इसमें थोड़ा सा एक मैं इसमें एक घूंट के बराबर पानी डालूंगी ताकि पोहे में अच्छे से मिल जाए। सूखे ही तड़के में यदि पोहा डाले तो कहीं मिलता है, कहीं नमक लगता है, कहीं नहीं, इसलिए मैं एक घूंट पानी डालने के बाद ही इस पोहे को इसमें अब डालूंगी उबाल आने के बाद। ये देखिए मैंने पोहा डाल दिया है और इधर मैं इसको चला लेती हूँ चम्मच से। और यहाँ चाय भी रेडी हो रही है हमारी साइड में एक तरह, क्योंकि पोहा के साथ साथ भी चाय पीते हैं या तो फिर अलग से भी पीते हैं, इसको जैसा चाहिए। देखिए हमारा पोहा रेडी हो गया है, इसको थोड़ा सा भाप में पकाएंगे एक मिनट के लिए, ज़्यादा चम्मच नहीं चलेंगे, एक मिनट ऐसे ही खुला पका के फिर से चम्मच से मैं इसको मिला लूँगी और फिर गार्निश कर लेंगे धनिया से। देखिए पोहा
एक मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए अच्छे से भाप में सिक चुका है पोहा भी, तड़का अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं ऊपर से धनिया से इसको गार्निश कर ले रही हूँ। और मैंने गैस को बंद कर दिया है। और देखिए हमारा पोहा रेडी हो चुका है और इस तरफ चाय भी रेडी हो गई है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ प्लेट में, फिर दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारा चाय और पोहा रेडी है। तो आप भी आ जाइए और बताइए खाकर कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।